कानपुर के किदवई जिले के एक गोदाम में सोमवार रात तेज धमाका होने से लोगों में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए और फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें घटना स्थल से 12 बोर तमंचे के 2 खाली कारतूस बरामद हुए, साथ ही एक कमरे से 1 दर्जन बैग भी मिले। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इरशाद ने 3 मंजिला घर को किराए के लिए दिया हुआ था और ग्राउंड फ्लोर पर टीन का गोदाम था जो लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें देर रात लगभग 9:15 बजे तेज धमाका हुआ। फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक और तीनों किराएदारों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। न्यूज के लिए कानपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।